हेलो गाइस, आज फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपका हमारे टॉप 50 सीरीज में स्वागत है। हम एक टॉप 50 सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि एक ही पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ अपने इन्वेंटर्स शेयर कर चुका हूँ, लगभग 100 से ऊपर थे वो। आज जो हम यूज कर आपके सामने शेयर करने वाले हैं, जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम उन व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका व्यक्तित्व सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, और उनके विशेष कार्यों के बारे में बात करेंगे, मतलब मोस्ट फेमस मैन फ्रॉम इंडिया एंड देयर वर्क। तो देखते हैं जो वही इंपॉर्टेंट वर्क जिनके लिए उन्हें जाना जाता है बहुत ज्यादा, वो हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करूंगा वो भगवान के नाम से ही करूंगा, मतलब भगवान की आरती से। मेरा कहने का मतलब आप खुद समझ जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है? तो श्रद्धा राम फिल्लौरी, श्रद्धा राम फिल्लौरी है इसके लेखक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन है? तो वन महोत्सव के जनक है के एम मुंशी। अगला देख लिया जाता है सिनेमा के जनक, ये तो सबको पता है जो भी सिनेमा से है, ये तो पुरस्कार भी है दादा साहब फाल्के, ये पुरस्कार भी दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के हैं, सिनेमा के जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं पंचायती राज्य के जनक, पंचायती राज्य के जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता, इनका नाम क्या है? श्री बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, हमारा क्या है। परमाणु कार्यक्रम के जनक, भाई परमाणु कार्यक्रम जो करा ये था, इसके जो जनक हैं, इन्वेंटर हैं, वो कौन है? तो ये सब लोग जानते हैं मेरे हिसाब से, और साइंस फील्ड से जुड़ा तो हर व्यक्ति जानता है इनका नाम, होमी जहांगीर भाभा। बहुत ही फेमस नाम है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाता है। इनने बहुत ज़्यादा हमारा नाम रिप्रेजेंट किया है और हमें बहुत गर्व है इन पे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये है एम विश्वेश्वरैया जो है इसके जनक हैं। अगला प्रश्न देखता हूं। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? तो ये थे जॉर्ज एवरेस्ट। कौन ने की थी? जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। अब हरित क्रांति के जनक भारत में अगर देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है भाई हरित क्रांति का जनक? एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का संबंध किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भाई ये खेती से और जो आपकी हरी जितनी भी चीजें होती हैं उनसे है, जो आपकी फसल वसल होती है, सब्जियां होती हैं, इनसे रिलेटेड है, तो ये किसका कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। अगला देखूं मैं, श्वेत क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। कौन है? वर्गीस कुरियन। अगर मैं देखूं श्वेत क्रांति का अर्थ है व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो ये किससे रिलेटेड है अगर मैं इससे बात करूं? किसी को आइडिया है? देखिए इसका रिलेशन जो है दोस्तों वो है अंडे से और मिल्क प्रोडक्शन से। आप समझ गए होंगे इस क्रांति का जो रिलेशन वो किससे रहा था, व्हाइट मतलब व्हाइट। नागरिक उड्डयन के जनक भारत में कौन है? उड्डयन समझ गए ना भाई, आपका जो एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं ना, इनकी व्यवस्था, तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जेआरडी टाटा। इसके जनक कौन है? जेआरडी टाटा, जानते हैं हम सब लोग। जयपुर फुट के जो निर्माता हैं वो कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, तो भारत के ही होंगे, जयपुर नाम आई गया। प्रमोद करण सेठी, इनका नाम क्या? प्रमोद करण सेठी। अब अगला प्रश्न जो मैं पढ़ने वाला हूँ, आधुनिक पुलिस एक्ट के निर्माता भारत में कौन है? तो बर्टल फ्रेरे ने किया था ये। किसने किया था? बर्टल फ्रेरे ने। अगला देखें, सिविल सेवा के जनक किसे कहा गया है? तो देखिए भारत में हुआ था ये, तो ये किया गया कब गया था? ब्रिटिश काल में, तो इसलिए सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया? कॉर्नवालिस को। उस टाइम पे कॉर्नवालिस थे जिनने ये किया था, ठीक है, वो इंडियन नहीं थे, लेकिन आपका किसने किया था? वो कॉर्नवालिस ने किया था। भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? भाई भूदान आंदोलन, तो ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जिन्हें बहुत जाना जाता है, विनोबा भावे, ठीक है। अगला देखते हैं, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? चिपको आंदोलन हुआ था, उसको किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुड़ा चंडी प्रसाद भट्ट, दो लोग थे ये, सुंदरलाल बहुगुड़ा और एक चंडी प्रसाद भट्ट, इन दोनों ने मिलकर ये किया था। अगला देखिए, नक्सलवाद के जनक किसे कहा जाता है? नक्सलवाद है, तो नक्सलवाद का जनक
किसे कहा जाता है? तो ये है चारू मजूमदार। कौन है? चारू मजूमदार। अगला देखते हैं, जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है? भाई जनहित याचिका मतलब आप अपनी जन के, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने लिए याचिका रख सकते हो, तो याचिका कर सकते हो, उसके जनक किसे कहा जाता है? तो ये है पीएन भगवती। कौन है? पीएन भगवती। अगला देख लेते हैं, लोक अदालत के जनक किसे कहा जाता है? तो भाई लोक अदालत भी किसने करी होगी? पीएन भगवती। देखो दोनों चीजें अपने आप में बिल्कुल इंटर रिलेटेड हैं। जनहित याचिका कहां हो सकती है? लोक अदालत में। लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो इसके जनक कौन है? पीएन भगवती। दोनों के, लोक अदालत और जनहित याचिका, दोनों के जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को। अगला देखते हैं, लाइफलाइन एक्सप्रेस के जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन विल्सन। ये भले इंडियन नहीं थे लेकिन लाइफलाइन एक्सप्रेस जो हुई थी ये कहां पर आपका हुआ था? इंडिया में हुआ था, जॉन विल्सन को कहा जाता है। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? भाई इंडियन ही है ये। ब्लैक होल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी खोज पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडियन ने की थी, जिसका नाम बहुत फेमस भी है, जयंत नॉली कर। जयंत नार्लिकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, इनने बहुत नाम रोशन किया हमारा। मिसाइल कार्यक्रम के जनक, मुझे किसी का अब बताने की जरूरत नहीं है ये कौन है। मिसाइल कार्यक्रम वर्ल्ड फेमस है, इनका नाम सबसे ऊपर आता है साइंटिस्ट में, आप खुद समझ गए होंगे। ये हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनकी वजह से आज हम पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। चलिए अगला नाम देखता हूँ मैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन तो ये किया था आपका मेघा पाटकर ने। अगला देखते हैं, पौधों में जीवन की खोज, अगर देखा जाए पौधों में जीवन की खोज तो हम पढ़ते हैं जगदीश चंद बसु ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज, जगदीश चंद बसु ने की थी कि पौधों में भी जीवन होता है। भाई हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? हिंदू विधि के निर्माता किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। आधुनिक तिरंगा के निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया। आधुनिक तिरंगा अगर मैं बोलूं उसके निर्माता कौन है तो कौन है? पिंगली वेंकैया। अगला देखें भाई, खुले जेल के संस्थापक भारत में कौन है? भारत में खुले जेल की सबसे पहले जो संस्थापक थे, जिनने स्थापना करी, वो कौन थे? तो संपूर्णानंद। कौन थे ये? संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन देखूं, भारत में भारत जोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो बाबा आमटे ने। भारत जोड़ो, छोड़ो नहीं, भारत जोड़ो आंदोलन, तो ये किसने किया था? बाबा आमटे ने। अब बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन भारत में, ठीक है, इसके जनक कौन है? बंधुआ मजदूर उन्मूलन आंदोलन, बंधुआ मजदूरों के साथ जो बुरा होता था उसके लिए जो आंदोलन हुआ था उन्मूलन के लिए, उसके जो हमारे थे, कौन थे जनक जिनने स्टार्ट किया? स्वामी अग्निवेश। कौन थे ये? स्वामी अग्निवेश। बाल विवाह निषेध कानून का निर्माण किसने किया था या किसके थ्रू आया है? तो ये है हरविलास शारदा जी। कौन है? हरविलास शारदा जी। भारत में, भारत में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? जिसके अगेंस्ट था, जो आगे बढ़े थे, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। जल संरक्षण आंदोलन किसने किया था भाई यह आंदोलन? इसके जनक कौन थे? राजेंद्र सिंह जी। कौन थे? राजेंद्र सिंह जी। अगर मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूं तो प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर के आपके जनक किसे कहा जाता? तो कैलाश सांखला को। किसे? कैलाश सांखला को। अगला मैं देखूं, देशी रियासतों का एकीकरण ये जो आपका हुआ ये किसके थ्रू हुआ इंडिया में? तो ये वल्लभ भाई पटेल, आप सब जानते हैं बहुत बड़ा नाम है वल्लभ भाई पटेल जी। अब अगला देखूं, हृदय परिवर्तन मतलब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इसकी खोज किसने की थी भाई? तो ये जो थे ये थे जयप्रकाश नारायण। भारत में पहली बार हृदय परिवर्तन हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसके थ्रू हुआ था भाई? तो ये थे जयप्रकाश नारायण जी, जो इसके जनक कहे जाते हैं। भारत में उर्दू कविता के जनक किसे कहा जाता है? भारत में उर्दू कविता का जनक किसे कहा जाता है? सब लोग जानते हैं अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। अगला देखें तो भारत में शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह नागार्जुन। वेदों का पुनरुत्थान किसने किया भारत में? जो वेदों का पुनरुत्थान था, फिर से वेदों को लाना, ये किसने किया था भारत के अंदर? तो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला देखें, भारत में वर्धा शिक्षा प्रणाली के जनक कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। स्त्री शिक्षा
कि जनक कौन है भारत में, तो केशव करवे जी हैं। कौन है? केशव करवे जी। अगला पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भारत में किसने किया था? भाई गुरु ग्राहिब भारत क्या पूरे वर्ल्ड में वो एक ही इंसान है, किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था जी? गुरु अर्जुन देव ने। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो ये की थी आपकी भारत में सर्वप्रथम हुआ था ये जयप्रकाश नारायण। सब कुछ मैं जो बता रहा हूं भारत में ही बता रहा हूं, ये याद रखिएगा आप लोग। निर्गुण ब्रह्म के संस्थापक कौन है? तो ये है कबीर जी। भारत में अगर देखा जाए रस चिकित्सा तो ये है नागार्जुन जी। किसके द्वारा की गई? तो नागार्जुन जी हैं इसके जनक। सिख राज के संस्थापक रणजीत सिंह कौन थे? राजा रणजीत सिंह। भारत में बोल रहा हूं मैं सारी। कंप्यूटर क्रांति सर्वप्रथम भारत में तो ये थे सैम पित्रोदा। किसके द्वारा हुआ? सैम पित्रोदा। सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे? सनातन धर्म भारत में ही बात कर रहा हूं मैं, सनातन धर्म भारत में ही होगा कि कौन थे? शंकराचार्य जी। आधुनिक बंगाल के निर्माता दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है फुट नंबर 48, आधुनिक बंगाल के निर्माता किसे कहा जाता है? भारत में ही होंगे, बंगाल की बात हो रही है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ता हूं मैं आपसे। माल गुजारी व्यवस्था भारत में किसने शुरुआत किसने की थी? भारत में शुरुआत इसकी किसने की थी? तो टोडरमल ने। किसने? टोडरमल ने। अगला देखता हूं मैं, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। द्विराष्ट्र सिद्धांत भारत में किसने दिया था? तो सैयद अहमद खान जी ने। किसने दिया था दोस्तों? सैयद अहमद खान जी ने। तो दोस्तों आई होप आपको जो हमारा टॉप 50 है इसका जो कलेक्शन है वो पसंद आया होगा और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अच्छे से याद भी कर रहे होंगे हर एक चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रॉस्पेक्ट से। और देखो जीके तो ऐसा है कि नॉलेज मिल रहा है हमको, जो तैयारी नहीं कर रहे ना अगर वो भी देख रहे हैं तो देखो आपको पता चल रहा है किसने किसी खोज की थी। तो हमेशा याद रखो कभी भी ज्ञान आपका कहीं अधूरा नहीं जाता, ज्ञान हमेशा काम ही आता है। चलिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, अगली क्लास में मिलेंगे। सब्सक्राइबर जिनने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों। चलिए तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।